रूबिडियम परिवार के सभी सदस्यों को और ऑल कंपटीशन की तैयारी करने वाले सभी प्यारे बच्चों को और जितने भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं उन सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आप सभी से ये उम्मीद और आशा करता हूं कि आप लोग अपने पथ पर सतत अपनी स्टडी को आयाम देते रहेंगे और एक दिन आप अपनी अच्छी मंजिल को पा लेंगे। तो बिना किसी विलंब के, जैसे कल हमने चर्चा की थी, जो इससे पहले वाला वीडियो है उसी वीडियो को आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो उसी में आप लोगों को ये समझते हुए चलना है कि जैसे कल हमने जो राजस्थान का भूगोल था, उस राजस्थान के भूगोल के रिगार्डिंग हमने दो टॉपिक्स के ऊपर बात कर ली थी। एक तो राजस्थान की स्थिति, और स्थिति की अगर अपन बात करें तो स्थिति और विस्तार। स्थिति और विस्तार में जैसा हमने पढ़ा था कि स्थिति और विस्तार से रिलेटेड कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, चार। ये बातें हमने कल अच्छे से इसके ऊपर चर्चा कर ली थी। स्थिति और विस्तार से चार टाइप के क्वेश्चनों में सबसे पहले हमने कर लिया था राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति, ग्लोब के बारे में हमने स्टडी किया था। तो ये कौन सा हो गया, ग्लोबीय। और ग्लोबीय के बाद में अगर अपन बात करें तो हमारा जो टॉपिक था वो कौन सा था, महाद्वीपीय स्थिति। और महाद्वीपीय स्थिति के बाद में हम लोग जो पढ़ेंगे उसी क्रम में हम लोग बोल सकते हैं कि यहीं से तीसरी टाइप का जो अपना क्वेश्चन पुटअप होगा वो होगा राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति। और अक्षांशीय स्थिति के बाद में अगर अपन चर्चा करें तो हमारा एक टॉपिक हो जाएगा राजस्थान की देशांतरीय स्थिति। तो जैसा कल हमने चर्चा कर ही ली थी कि राजस्थान की स्थिति और विस्तार से कितने प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, चार, ग्लोबीय स्थिति, महाद्वीपीय स्थिति और अक्षांशीय स्थिति, और अगर अपन लोग बात करें तो देशांतरीय स्थिति। तो आज हम लोग राजस्थान और भारत दोनों की महाद्वीपीय स्थिति की बात करेंगे, है ना, कि कौन से महाद्वीप में स्थित है भारत और राजस्थान दोनों। तो ध्यान रखना है, जैसा राजस्थान की महाद्वीपीय स्थिति, राजस्थान की महाद्वीपीय स्थिति, अब इसमें हमें आराम से इसको समझना है। तो महाद्वीपीय स्थिति में जैसा हम लोग बोल सकते हैं कि अपनी जो अर्थ है, इस अर्थ के ऊपर सात बड़े महाद्वीप है और इन सात बड़े महाद्वीपों को ही हम सात बड़ी प्लेटों के नाम से जानते हैं। जैसे ज्योग्राफी को कभी आप लोग डीप जाकर अगर अच्छे से स्टडी करेंगे तो वहां पर आप लोगों को ऐसा सुनने को मिलेगा। तो महाद्वीप या बड़ी जमीन का कोई बड़ा भूभाग जो है उसके लिए ज्योग्राफी में एक शब्द यूज किया जाता है जिसको अपन बोलते हैं प्लेट। सात बड़ी प्लेटें हैं और इन सात बड़ी प्लेटों में इस ग्लोब पर सबसे बड़ी प्लेट या सबसे बड़ा भूखंड जो है, इस भूखंड का नाम है एशिया। और इस एशिया की अगर अपन जैसे ही चर्चा करेंगे तो भारत जो है, भारत के अंदर ही राजस्थान स्थित है, तो भारत कौन से महाद्वीप में स्थित है, एशिया में। वो सिंपल सा ये ध्यान रखना है कि भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। तो यहां से देखो किस प्रकार से कंटिन्यूटी में अपने को याद रखना है, ये सिंपल सा समझना। देखो थोड़ा सा कि भारत जो वो एशिया महाद्वीप में स्थित है और एशिया महाद्वीप के कौन से डायरेक्शन में, दक्षिण में। तो एशिया महाद्वीप का जो दक्षिणी भाग होगा उस भाग को हम लोग बोलेंगे दक्षिणी एशिया। बिल्कुल एकदम सिंपल है, भारत एशिया महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप के कौन से डायरेक्शन में, दक्षिण में, साउथ में, और इसी पार्ट को हम लोग बोल देते हैं साउथ एशिया या दक्षिणी एशिया। तो हम लोग सिंपल वे में ये कह सकते हैं कि भारत और राजस्थान दोनों दक्षिणी एशिया महाद्वीप में स्थित है। दोनों का आराम से ध्यान रखना है, एक कौन से महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में, बिल्कुल एकदम सिंपल है। एशिया महाद्वीप के कौन सी डायरेक्शन में, कौन सी दिशा में, दक्षिण में। और एशिया महाद्वीप का दक्षिणी पार्ट जो है इसको हम लोग राजनीतिक रूप से अगर इसका विभाजन करें तो इसको हम लोग बोलते हैं दक्षिणी एशिया। और दक्षिणी एशिया
में ही स्थित है राजस्थान और भारत। तो नेक्स्ट यहां से अगर अपन नेक्स्ट अगला टॉपिक ले तो यहां से अपने को इजी वे में समझना है, यहां से मेन टॉपिक यहां से शुरू होता है और इस टॉपिक की जैसे ही अपन चर्चा करेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति, राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति। और राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति जो है इसको बहुत अच्छी तरीके से अपने को पढ़ना है। देखो किस प्रकार से पढ़ेंगे ये थोड़ा सा अपने यहां पर मेंशन करना है, इसको सिंपल सा याद ध्यान दे लेंगे आराम से। देखो जैसे हम लोगों ने पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो में, अगर आप लोगों ने अच्छे से इस पिछले वीडियो को देखा है तो यहां आप लोगों को जब मैंने ग्लोब के ऊपर कुछ लाइनें बताई थी उन्हीं लाइनों को आप लोगों को फॉलो करना है। किस प्रकार से ये आप लोग अच्छे से इसको समझेंगे, देखो सिंपल सा, जैसे हम लोगों ने पीछे देख लिया था कि ग्लोब के ऊपर लेटी आड़ी या पड़ी रेखाएं जो होती है उन रेखाओं को अगर अपन बात करें यहां से, जैसे हमने ग्लोब के ऊपर कल हमने चर्चा की थी कि ग्लोब पर दो प्रकार की काल्पनिक रेखाएं जिसमें एक अक्षांश रेखा है और दूसरी कौन सी है देशांतर। तो यहां से पहले अपने को राजस्थान की अक्षांश स्थिति के बारे में अच्छे से चर्चा करनी है। देखो जैसे कल जो देखा था उसी में ध्यान रखना है कि भारत और राजस्थान दोनों के दोनों उत्तरी गोलार्ध में स्थित है यहां, और इस उत्तरी गोलार्ध में आप लोग अगर हम लोग चर्चा करें तो पहले मैं आप लोगों को भारत के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, फिर अपन लोग आगे राजस्थान के बारे में चर्चा करेंगे, है ना। तो यहां से जैसे यहां से एक रेखा भारत को ये रेखा जैसे टच करते हुए ये रेखा अगर गुजरती है, एक तो ये रेखा होगी और एक रेखा होगी अपनी ये वाली यहां से। देखो ये रेखा आप लोग जानते ही हैं, इस रेखा को हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश, सॉरी 0 डिग्री अक्षांश से यहां, जैसा हम लोग जानते ही हैं कि यहां पर है नॉर्थ पोल और यहां पर कौन सा है साउथ पोल, सॉरी इस 0 डिग्री अक्षांश से जैसे जैसे अपन उत्तर की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ लेटिट्यूड्स अर्थात अक्षांश रेखाओं की संख्या भी बढ़ती जाएगी, है ना। और कहां तक बढ़ेगी तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहां पर ये जो लाइन है यहां ये रेखा होती है इसको अपन बोलते हैं 90 डिग्री नॉर्थ लेटिट्यूड, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और यहां पर जो अक्षांश रेखा होगी इस अक्षांश रेखा को हम लोग बोल देते हैं 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, सॉरी 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो अब हमें यहां तक तो ये पता चल गया है कि राजस्थान और भारत दोनों जो है ये उत्तरी गोलार्ध में है और जीरो के बाद में जैसे जैसे अपन उत्तर की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे अक्षांशों की संख्या बढ़ती जाएगी। तो सबसे पहले अगर अपन भारत की बात करें ये यहां पर, तो यहां से अपन कह सकते हैं कि भारत की जो अक्षांश स्थिति है वो शुरू होती है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, और 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर यहां तक अगर अपन बात करें ये वाला, तो यहां से देखना है कि ये जो रेखा, इस रेखा को अपन बोलते हैं 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि राजस्थान और भारत दोनों से जितनी भी अक्षांश रेखाएं गुजरेगी, जितनी भी अक्षांश रेखाएं ड्रॉ होगी वो सारी की सारी कौन सी होगी उत्तरी अक्षांश। इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे सिंपल सा कारण यह है कि राजस्थान और भारत दोनों उत्तरी गोलार्ध में है और उत्तरी गोलार्ध में होने के कारण सारी रेखाएं अक्षांश रेखाएं जो राजस्थान और भारत से ड्रॉ होगी वो उत्तरी अक्षांश होगी। इसका मतलब ये सिंपल सा है कि अक्षांश रेखाएं कितने प्रकार की होती है, दो, एक तो उत्तरी अक्षांश और एक दक्षिणी अक्षांश। अब हम लोग सीधे टू द पॉइंट, ये तो हमने भारत की चर्चा की और भारत की चर्चा करने के बाद में हम लोग सीधा राजस्थान की ओर चलते हैं। तो यहां राजस्थान के मैप के अकॉर्डिंग अपने को देखना है,
राजस्थान की अक्षांश स्थिति में अब अपने को अकॉर्डिंग टू मैप इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है अच्छे से, और किस प्रकार से ध्यान देना है देखो। जैसे अगर हम लोग सिंपल सा देखें कि यहां से राजस्थान को टच करते हुए छूते हुए ये रेखा गुजरेगी एक, ये वाली है ना, और एक रेखा जो गुजरेगी, एक रेखा गुजरेगी यहां से, ये वाली। अब जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले ही भारत की जो अक्षांश स्थिति देखी थी उसके बारे में मैं यहां से आपको थोड़ा सा बताऊंगा ताकि आराम से आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। देखो यहां से भारत को जो टच करते हुए ये रेखा थी, इस रेखा का हमने बोला था 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, और एक रेखा ये थी, और इस रेखा को हमने क्या बोल दिया था 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, है ना। और यहां ये हमने चर्चा की थी, ये किसकी की थी, इंडिया की, भारत की। अब हमें इस भारत के कंपैरिजन के तौर पर, तुलना के तौर पर हमें राजस्थान की अक्षांश स्थिति जो है इसके ऊपर हमें चर्चा करनी है, और ये किस प्रकार से अपन लोग चर्चा करेंगे इसको थोड़ा सा समझ लेना है। देखो जैसा कल आप लोगों को या नेक्स्ट वीडियो में, पिछला जो वीडियो था उसमें आप लोगों ने देखा था कि राजस्थान भारत में उत्तर और पश्चिम दिशा में यहां पर स्थित है, ये राजस्थान है ना। अब देखो यहां से ये 8 डिग्री 4 मिनट है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से जैसे जैसे अपन नॉर्थ की तरफ या उत्तर की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे अक्षांश रेखाओं की संख्या भी बढ़ती जाएगी, और अक्षांश रेखाओं की लिमिट या अक्षांश रेखाएं कहां तक बढ़ सकती है, तो इसके लिए आप सिंपल सा कह सकते हो कि अक्षांश सीमा जो होती है वो 90 यानी कि 90 तक होती है। ठीक है, इस चीज को हम लोग कभी डीप जाकर अच्छे से पढ़ेंगे जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ने का अपने को मौका मिलेगा, उस समय इस चीज को अपन अच्छे से मेंशन करेंगे। देखें तो इसका मतलब 8 डिग्री से जैसे जैसे नॉर्थ की तरफ बढ़े तो अक्षांश की संख्या बढ़ रही है। अब यहां से ये लाइन जो है वो टच करते हुए जो राजस्थान को गुजरेगी एक, तो और एक लाइन गुजरेगी ये वाली, यहां पर है अपना प्यारा सा राजस्थान, ये राजस्थान। हमें एकदम पूरी तरीके से कंपटीशन को ही फॉलो करना है, और अच्छी तरीके से कंपटीशन को फॉलो करते हुए हमें उस मंजिल, उस मुकाम तक पहुंचना है जहां हमारी मंजिल हमारा इंतजार कर रही है। तो प्यारे दोस्तों, प्यारे व्यूवर्स, स्टूडेंट्स, आप लोगों को हमारे ऊपर ट्रस्ट करना होगा। अगर ट्रस्ट करोगे तभी आप लोग अदर जो चैनल या अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट जो भी आपको ऑनलाइन जहां से भी आप लोग पढ़ रहे हैं तो उनसे बेहतर हम लोग किस प्रकार से आपको मैटर प्रोवाइड करवा रहे हैं, ये आप लोग कब कंपैरिजन कर पाएंगे, जब आप लोग हमारे लेक्चर, हमारे वीडियो आसानी से देखो और देख पाओगे तो आप लोग इजी वे में कंपैरिजन कर पाओगे। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं, आई होप कि आप अपनी जगह पर स्वस्थ तंदुरुस्त होंगे, और इसी प्रकार से जैसे आपने हमारे और वीडियो में हमारा हौसला बढ़ाया उसी प्रकार से आप लोग हमारा साथ देते रहे। तो अगर आप साथ देते रहेंगे तो हम लोग भी इतने ही उत्साहित होकर आप लोगों को जो है वो अच्छे से अच्छे वीडियो जो है वो आपको अपलोड करवाते रहेंगे। इसके तहत आप लोगों को यहां पर थोड़ा सा समय देना है, और समय दे पाओगे तभी आप लोग कंपैरिजन कर पाओगे। देखो यहां ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये लाइन जो राजस्थान को टच करते हुए ड्रॉ हो रही है, इस लाइन की अगर हम बात करें तो ये जो लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी कि 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से राजस्थान की अक्षांश स्थिति शुरू होती है, और जैसे जैसे इस 23 डिग्री 03 मिनट से अपन उत्तर की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे अक्षांशों की संख्या भी बढ़ती जाएगी। देखो अब यहां से ये जो लाइन है, इस लाइन की अगर अपन बात करें तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, तो इस लाइन को अपन बोलेंगे 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, है ना। तो ये सिंपल सा अपने सामने एक कंक्लूजन निकल के आया, निष्कर्ष निकल के आया कि राजस्थान 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थित है। यह चीज आप लोगों को अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए, एकदम बेसिक चीज है जो आपको कहीं पर भी मिल जाएगी,
है ना। अब यहां से थोड़ा सा आप लोगों को समझने की कोशिश करना कंपटीशन को, देखो कि यहां से किस प्रकार से कोई कंफ्यूज वाला क्वेश्चन बन सकता है। तो जैसा आप लोगों को पता होगा कि यहां पर एक राजस्थान का डिस्ट्रिक्ट है और इस डिस्ट्रिक्ट को हम लोग बोलते हैं बांसवाड़ा। ये बांसवाड़ा पहले डिस्ट्रिक्ट था, अब भी डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन अभी थोड़े दिनों पहले ही बांसवाड़ा जो डिस्ट्रिक्ट था उसको संभाग भी बना दिया गया है। तो हमें ध्यान रखना है, जैसे आप लोगों ने हमारे अदर लेक्चर देखे होंगे, नहीं देखे तो आप लोग जब देखेंगे तो अब राजस्थान में टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स, कुल संभागों की संख्या जो कितनी हो चुकी है, 10 हो चुकी है, जिसको हम लोग आगे मेंशन करेंगे इसमें बहुत अच्छी तरीके से, है ना। तो यहां से अगर आप लोग देखेंगे तो ये हो गया बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा के बाद में यहां पर एक डिस्ट्रिक्ट और है, इस डिस्ट्रिक्ट को अपन बोलते हैं डूंगरपुर। क्या बोलेंगे? डूंगरपुर। ये मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूं, आप लोग सोचते होंगे सर हमारे को ये क्यों बता रहे हो, हमारे ये तो टॉपिक ही नहीं है, तो मैं इसलिए बता रहा हूं आप लोगों को, अब समझ में आ गया। देखो यहां से एक लाइन गुजरती है, देखो, और ये कंफ्यूज वाला क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा ये ध्यान रखना। देखो यहां से ये जो लाइन गुजरती है, इस लाइन को अपन बोलते हैं कर्क रेखा, कर्क रेखा बोल देंगे, या फिर इसी लाइन को अपन बोल देते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा या कर्क रेखा। अब देखो 23 डिग्री 3 मिनट, और इस कर्क रेखा की अगर आप लोग जैसे ही चर्चा करोगे तो कर्क रेखा को लिखा जाता है 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, है ना। तो ये दोनों लगभग थोड़ा बहुत मिलती जुलती है, तो इसमें कभी गलती मत करना, क्योंकि राजस्थान की अक्षांश स्थिति अगर आप लोगों को ऐसा लिखा हुआ मिलता है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, तो क्या ये अकॉर्डिंग टू राइटिंग क्या ये सही है, तो हम लोग इसको सही नहीं मान सकते। ये 3 की जगह यहां पर 30 भी हो सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसीलिए मैंने यहां पर सबसे पहले क्या लिखा है, 0 लिखा है। तो इस चीज को आप लोग नोटिस करेंगे अच्छे से, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। और ये कर्क रेखा, यहां से देखो कर्क रेखा जो है, जैसे आप लोगों ने सबने पढ़ रखा होगा कि कर्क रेखा बांसवाड़ा और डूंगरपुर से गुजरती है, लेकिन यहां थोड़ा सा आप लोगों को समझने की कोशिश करना है, क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, कर्क रेखा ऑलमोस्ट लगभग बांसवाड़ा के तो मध्य से होकर गुजरती है और डूंगरपुर के दक्षिण से होकर गुजरती है। इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे, कर्क रेखा बांसवाड़ा के लगभग, एग्जैक्ट नहीं बोलना है, अगर ऐसा पूछे कि कर्क रेखा बांसवाड़ा के मध्य से होकर गुजरती है, क्या यह लाइन सही है, नहीं है, लगभग मध्य से होकर गुजरती है, एग्जैक्ट मध्य से होकर नहीं गुजरती, सेम इसी प्रकार से कर्क रेखा डूंगरपुर के दक्षिण से होकर गुजरती है। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि राजस्थान की अक्षांश स्थिति से रिलेटेड आप लोगों का किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसमें आप लोगों को सिंपल सा पता होना चाहिए कि राजस्थान 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थित है। नेक्स्ट अगर अपन चर्चा करें तो राजस्थान का अक्षांशीय अंतर देखना, इसमें राजस्थान का अक्षांशीय अंतर, तो यहां आप लोगों को ये छोटा सा क्वेश्चन है बट थोड़ा सा आपको नॉलेज के लिए ध्यान रखना है, अक्षांशीय अंतर जो राजस्थान में है वो कितना है, तो राजस्थान का अक्षांशीय अंतर अपन लोग निकालेंगे, जैसे 30 डिग्री 12 मिनट माइनस 30 डिग्री 12 मिनट माइनस 23 डिग्री 03 मिनट, तो कितना हो जाएगा, तो आप लोग सिंपल सा बोल सकते हैं कितना होगा, देखिए निकाल के बताएंगे आप लोग, तो यहां पर तो हो जाएगा, देखो 12 में से 3 गए, तो 12 में से 3 गए कितने बच गए, 9 मिनट, और 30 में से 23 के कितने बच गए, 7 डिग्री। तो 7 डिग्री और 9 मिनट जो है वो राजस्थान का अक्षांशीय अंतर है, ये चीज आप लोगों को अच्छी तरीके से ध्यान में होना चाहिए। तो राजस्थान का अक्षांशीय अंतर कितना हो जाएगा, 7 डिग्री 9 मिनट, ये एक बेसिक चीज जो है वो सिंपल से आपको ध्यान रख लेना है। इसके बाद में हम लोग वही सिंपल से क्वेश्चन जो है वो और देखेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन है देखो, इस इधर
देखें देखें, जैसे यहां से हमने इस रेखा की बात की थी, ये रेखा, ये जो रेखा थी इस रेखा को हम लोग बोलते थे 23 डिग्री 3 मिनट, और सेम इसी प्रकार से ये जो लाइन है इस लाइन को अपन क्या बोल देंगे, तो इस लाइन को अपन बोल देंगे 30 डिग्री 12 मिनट, है ना। और यहां पर ये कौन सी हो जाएगी, 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब यहां पर जो बेसिक क्वेश्चन है उनको एकदम सिंपल तरीके से, जो हर कहीं आप लोगों को पढ़ने को मिलेंगे, उन क्वेश्चनों को ध्यान रखना। देखो जैसे आपसे पूछ ले कि राजस्थान का अंतिम दक्षिणी बिंदु या अंतिम दक्षिणी गांव, राजस्थान का अंतिम दक्षिणी बिंदु या राजस्थान का अंतिम दक्षिणी गांव कौन सा है, तो यहां जैसे अंतिम दक्षिणी जिला पूछे तो बांसवाड़ा, अंतिम दक्षिणी जिला पूछेंगे तो कौन सा होगा, बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा में ही अगर हम लोग बात करें तो यहां पर बांसवाड़ा की एक तहसील है, यहां पर जो राजस्थान की दक्षिणी तहसील है, और इसी तहसील की अगर अपन बात करें तो यहां पर एक स्थान है जो राजस्थान का अंतिम दक्षिणी गांव है, और उस गांव की अगर हम लोग बात करें तो ये गांव कौन सा होगा, ये तो दक्षिण वाला, और यहीं पर हम लोग बात कर लेंगे देखो राजस्थान का अंतिम उत्तरी गांव, है ना। तो यहां जैसे ही अगर अपन बात करेंगे तो इसको थोड़ा सा अपन समझने की कोशिश करेंगे, तो एक तो कौन सा हो जाएगा, राजस्थान का अंतिम दक्षिणी गांव, और एक राजस्थान का अंतिम उत्तरी गांव।